गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई वेलकम यू टू क्रिएट अप एंड वी आर बैक ऑन पॉपुलर डिमांड। जी हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने सेशंस में ग्रेड अप टीम ने थोड़ी से चेंजेस किए हैं। हम लोगों ने सेशंस के स्लॉट्स को थोड़ा सा शफल किया है, एक्सेप्ट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश एज इट इज अपनी जगह पर बना हुआ है, विच इज द 10 AM स्लॉट। इसके अलावा क्वांट और रीजनिंग का जो स्लॉट है वो अब आप लोगों का चला गया है, कहाँ पर, इवनिंग में चला गया है। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई ऐसा है जिसे नहीं पता कि क्वांट और रीजनिंग कौन से स्लॉट्स में हो रहे हैं, तो आप लोग पता लगा लीजिएगा। ये RRB स्लॉट्स हो गए हैं और ये चले गए हैं आपके इवनिंग में 8 to 9 के सेशंस की तरफ। ठीक है, चलिए अब आज आप लोगों के पॉपुलर डिमांड पर हम ला रहे हैं बेसिक इंग्लिश वंस अगेन। हमने इससे पहले दो सीरीज स्टार्ट की थी इस सेशन में, जहां पे ऑलरेडी आई हैड कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बट सॉरी जिस ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, बट देन बैक अगेन। नाउ चैप्टर पे कितने क्वेश्चंस कर सकते हो, कितने एरर्स आ सकते हैं, इन सारी चीजों पे हम करेंगे डिस्कशन। आप एज एन एस्पिरेंट, आपको देखो अब रूल्स पढ़ने की वर्ड बाय वर्ड जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम सीधे क्वेश्चंस को देखेंगे और अप्रोच को देखेंगे कि किस तरीके से हम चैप्टर वाइज अप्रोच को स्टार्ट कर सकते हैं। समझ आया? आई कैन ऑलरेडी सी स्मार्ट अविनाश जॉइनिंग मी, अमित नांग्याल इज हेयर, आई कैन सी द रेस्ट ऑफ देम, कश्यप बाबू, एवरी वन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। देर इज मिली, देर इज इशिता, रवि कुमार, निभा, एस शर्मा एंड शरण, एवरी वन गाइज, माइकी, सुप्रिया, संपदा, अमित, नेहा, आशीर्वाद, श्रेया राय, एवरी वन वेलकम टू द सेशन। हाई अमित राजपूत, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। गाइज लेट मी टेल यू, आज जो एडिटोरियल फैमिली थी इट वॉज एक्चुअली 473 प्लस बिग। दिस फैमिली इज ऑल्सो ग्रोइंग। हमारा काम है दोनों फैमिलीज को एक साथ ग्रो करने का। इस वजह से हमारा सबसे पहला काम होगा सेशन को जितना हो सके लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। समझ में आया सभी को? खुशबू, लता, आंचल, सिमरनजीत, अमित, वीरेंद्र, गौरव, सुमित कुमार झा, कल्याणी साहू, नेहा शर्मा, प्रिया अग्रवाल, एवरी वन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। गाइज दिस इज अ चैप्टर नाउ, लेकिन क्वेश्चन थोड़े अलग अलग रखे हैं हमने। कुछ क्वेश्चन एरर डिटेक्शन है, कुछ क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। हाय संदीप्ता, सेजल, प्रिंस, एवरी वन, शार्कनिक, तुषार, क्या आप सब लोग सेशन के लिए तैयार हो? इफ एवरी वन इज रेडी फॉर द सेशन, सौजान्य, मिली, प्रिंस, सुमन, इशिता, अमिता, सूरभि, अपना बेस्ट देना। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट। रिमेंबर, हम आप लोगों को एक टाइमर देंगे, टाइमर के साथ एक क्वेश्चन दिया जाएगा। आप लोगों को टाइमर खत्म होने तक क्वेश्चंस को आंसर करना है। सारे लोग हमें दिख रहा है, रोशन, वीरेंद्र, विजेंद्र, रवि, श्रद्धा, एवरीवन, कोमल, निशित, वेलकम। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। अपना स्कोर कार्ड मेंटेन करना, याद रखना राइट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.25 हम माइनस कर लेंगे। समझ में आया सभी को? चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 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 क्वेश्चन ऑफ टुडे। मदन इज वन ऑफ दोज मैन हु कैन सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द नेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन गोज हियर एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। What should be the answer? Simran, Gaurav, Neha C, Priya B, Rishav B, Ashmita B, Momita Parveen B, Anirban Shorkar B. Okay, rest of you, come on, keep trying guys. Hanji, theek hai? ओके ठीक है, चलो देखो, मदन इज वन ऑफ दोज मैन लिखा है। ठीक है, वन ऑफ दोज मैन लिखा है। हम सबको पता है कि जब भी हम वन ऑफ का यूज करते हैं तो जो नाउन होता है हमारे सेंटेंस में वो कौन से स्ट्रक्चर में आ जाता है, प्लूरल आ जाता है। तो वन ऑफ दोज अगर लिखा जाएगा तो दोज के साथ अगर नाउन प्लूरल होगा तो करेक्शन, यहां पे सिंगुलर नाउन दिया है जो कि इनकरेक्ट है, हमें इसको प्लूरल बनाना है। अब वन ऑफ दोज मैन यहां लिखा है और वन ऑफ देम मैन यहां लिखा है। मैन यहां भी गलत है, यहां भी गलत है। अगर हम सारे आंसर्स को एलिमिनेट कर देंगे तो देर इज ओनली वन आंसर टू द क्वेश्चन और वो हो जाएगा आप लोगों का मैन। जैसे वन ऑफ द बेस्ट शर्ट्स है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शर्ट्स दैट आई एम वेयरिंग। रिमेंबर, वन ऑफ द के साथ हम हमेशा अपने नाउन को कौन से स्ट्रक्चर में रखते हैं, प्लूरल स्ट्रक्चर में रखते हैं। समझ में आया
सुमित, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका. जितने लोगों ने कहा है बैंग ऑन द राइट आंसर गाइस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी बी. लेट अस क्विकली प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू इज हियर. एन इंटेंसिव सर्च इज अंडर वे फॉर द 2 years ओल्ड बॉय हु वेंट मिसिंग आफ्टर हिज मॉम पुट हिम टू बेड. What should be the answer? Come on, Sandipta, Khushbu, Anurag, Virendra, try. Arpita, very good. Okay, Swati or Shagnik, dono C bol rahe hain. Raj, music is going with C. Rest of you? Komal is going with D. Acha, thoda sa confusion aya. Okay, Mikey, C. Shalija, C. Shikha bhi C. नेहा लुकार सी, गोकुल सी, अनिर्बान शौरकार सी, ओके, मिली डी. अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आई कैन सी दैट क्वेश्चन कमिंग अप. गाइज नाउ सी, देखो लिखा क्या था, एन इंटेंसिव सर्च इज अंडर वे फॉर द. अब देखो फॉर द एज इट इज रहेगा बिकॉज यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग, तो सर्च फॉर होता है, इसका मतलब फॉर यहां भी सही है, यहां भी सही है, यहां भी सही है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने फर्स्ट चीज देखी जो कि है सर्च फॉर, इसका मतलब ये करेक्ट है. सर्च फॉर, एन इंटेंसिव सर्च इज अंडर वे फॉर द 2 years ओल्ड बॉय. अब आप लोगों को हम एक रूल समझाने जा रहे हैं, देखिएगा. जब भी हमारे पास नंबर के साथ यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, याद रखिएगा, कोई भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, अगर इसके साथ कोई नाउन है, अगर इसके साथ कोई नाउन है, तो वो स्ट्रक्चर हमेशा आपके सेंटेंस में सिंगुलर होगा. जैसे अ टू आवर जर्नी, ठीक है, अ टू आवर जर्नी, या फिर अ जर्नी फॉर 2 hours, अ जर्नी फॉर 2 hours, ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर टू के साथ आवर है विच इज अ यूनिट, है ना, और जर्नी क्या है, नाउन. याद रखिएगा, जब भी नंबर यूनिट और नाउन एक साथ रहते हैं, नंबर यूनिट और नाउन एक साथ रहते हैं, तो वो हमेशा सिंगुलर होता है. बट गाइज, इवन दिस इज करेक्ट, इवन द सेकेंड वन इज करेक्ट, अ टू अ जर्नी फॉर 2 hours. क्यों? क्योंकि यहां पर टू के साथ सिर्फ आवर्स लिखा है, और क्योंकि टू का वैल्यू वन से ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बात है आवर्स यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर में होगा, प्लूरल स्ट्रक्चर में होगा. याद रखेगा, यहां पर आपके पास ओल्ड बॉय नाउन का काम कर रहा है, ऑलरेडी यू हैव अ नंबर, है ना, तो यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा, अ टू ईयर ओल्ड बॉय. इज द क्वेश्चन क्लियर एवरी वन? किसका बर्थडे? सुमित का. सुमित, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम मी एंड द टीम ग्रेट अप डियर. ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड इन लाइफ एंड गेट ऑल द सक्सेस यू वांट. लोड्स ऑफ विशेस टू यू डियर. समझ में आया? याद रखिएगा, दोनों करेक्ट होता है. हम लिख सकते थे अ बॉय ही इज 2 years, ठीक है, या फिर ही इज अ टू ईयर ओल्ड बॉय. याद रखना, दोनों ही करेक्ट है, दोनों में डिफरेंस होता है सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट ऑफ नाउन का आपके सेंटेंस में. आई होप इट इज वेरी क्लियर. सारे लोग अपना स्कोर बता दीजिएगा, व्हाट इज योर स्कोर आउट ऑफ 2. एंड यस, विश सुमित अ वेरी हैप्पी बर्थडे. ठीक है, चलिए गाइज, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी वन रेडी फॉर एरर डिटेक्शन नाउ? चलिए कुछ एरर डिटेक्शन भी सॉल्व कर लें. सारे लोग तैयार? मीनाक्षी, थैंक यू सो मच डियर. चलो जल्दी बताओ, सारे लोग रेडी? रेडी फॉर द सेकेंड थर्ड क्वेश्चन नाउ? चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन. टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर हियर, गिव योर बेस्ट हियर. टेक योर टाइम. Okay, 3 minutes left. Amit Rajput, come on. Anwar Khan, okay. Sonu, good morning, Sonu. Gargi, C. Priyanka, information. Ram Gurjar, C. Gaurav Kumar, C. Neha Sharma, C. Saujanya, same. Suman Jha, okay. Same answers aa rahe hain. Roshan Kumar bhi same bol rahe hain. Manisha, okay, chalo. When you are explaining your role in a casual conversation, when you are, जब आप, है ना, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम.
सो वेन यू आर एक्सप्लेनिंग योर रोल, जब आप अपना रोल एक्सप्लेन कर रहे हो इन अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन, एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन में, सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इज अ डिफिकल्ट बट क्रूशियल टास्क. क्रूशियल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिग्निफिकेंट, है ना, वाइटल, जिसे आप वाइटल भी बोलते हो. तो कहा जा रहा है कि सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इज अ क्रूशियल टास्क. नाउ द क्वेश्चन इज कि इंफॉर्मेशन के साथ यहाँ पे इज लगा है. अब हम आपको एक और रूल बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा. आपके पास कोई ऐसा वर्ड अगर है जैसे कि एडवाइस, ठीक है, या फिर इंफॉर्मेशन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर ब्रेड, ठीक है, या फिर आप बोल दीजिए न्यूज, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर का फॉर्म लेंगे बिकॉज इन सबको हम अनकाउंटेबल ट्रीट करते हैं. एंड द रूल सेज कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा कौन सा फॉर्म फॉलो करते हैं, सिंगुलर फॉर्म फॉलो करते हैं. इसका मतलब इंफॉर्मेशन इज सही है, इज बिल्कुल करेक्ट है, बट इंफॉर्मेशन बोलकर कोई चीज नहीं होती, है ना. करेक्शन यहाँ पे कौन से पार्ट में हो जाएगा, पार्ट सी. बैंग ऑन करेक्ट आंसर. Here, what is your score out of 3 needs to be said and you people are doing a great job today. ठीक है, yes, याद रखिएगा. आप लोगों को अगर यहां तक सारी चीजें समझ आ रही है, पसंद आ रहा है, यार जो कौन इतनी कंफ्यूज, कौन इतनी कंजूसी करता है, ऑलरेडी आपकी फैमिली 140 प्लस है. लेट्स क्विकली लाइक एंड शेयर द सेशन जितना पॉसिबल हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मेघना रिटर्न्ड फ्रॉम द रूम विद अ बुक, अ पेन, a letter and 2 ceramic plates. What should be the answer? Okay, Nivrita ne pucha hai. Nivrita, hum abhi bata dete hain. Nivrita ne question pucha hai. Advice aur advise ka difference kya hota hai? Abhi bata de Nivrita. Just a second. Aap log iska answer dijiye. So different. Tarun Garg, but informations bol kar tab to aap multiple information likhiye. A lot of information likhiye. But information hamesha information hota hai. S nahi leta. चलिए विचेता, गुड मॉर्निंग जिया. ओके, इशिता ई, ओके, नेहा नो एरर, सोनू ने कहा है 4, शागनिक ने कहा है 2, संदीप्ता कह रही है सी, श्रेया राय, बी एस शर्मा, डी गाइस थिंक अबाउट इट, इशिता वेरी गुड, मनमोहन शर्मा थोड़ा सा गलत हो गया, क्रिस प्लीज रीड. मेघना रिटर्न्ड, she returned from the room, मतलब वो रूम से वापस आई. So return from का मतलब होता है to come back, ठीक है. So she returned from the room, किस किस चीज के साथ आई, she came with a book, a pen, a letter and 2 ceramic plates. 2 ceramic plates, आपको अभी हमने बताया there is a number, ठीक है. सिरामिक प्लेट्स में, सिरामिक प्लेट्स आपके पास सेंटेंस में क्या है, वो आपके पास एक नाउन है, ठीक है. तो 2 सिरामिक प्लेट्स करेक्ट है. प्लेट्स हमेशा आपका नाउन, तब प्लूरल हो जाएगा अगर आपके पास एक नंबर होता है विच इज मोर देन 1. तो करेक्शन यहां पर क्या हो जाएगा, द करेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी नो एरर. इट इज अ नो एरर स्टेटमेंट गाइज. 2 सिरा, अगर मान लो हम लिखते 2 सिरामिक्स प्लेट्स तब गलत होता, लेकिन 2 सिरामिक ही तो लिखा है, सिरामिक की प्लेट्स की बात हो रही है, 2 प्लेट्स, तो 2 तो प्लेट्स ही होगा ना, कभी 2 प्लेट होगा नहीं. आंसर इस क्वेश्चन का बैंग ऑन ई होगा. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन आई न्यू दिस, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे 2 को देखकर, है ना. प्लेट नहीं होगा अमित, कैसे हो जाएगा, 2 प्लेट्स होगा ना, 2 स्पून. यस और नो, यस और नो. चलिए, दीक्षा इज वेरी हैप्पी, आई कैन सी दैट. मुजाहिद का स्कोर 4 है. लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5. जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा. एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ, गिव योर बेस्ट गाइस. नहीं, बिल्कुल रिमूव नहीं हटाएंगे हम वहां से दिया. अमिता करेक्ट, चलो आगे बढ़ो. उदित आंसर बताइए इसका क्या होगा. हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं प्रिया, लेकिन स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखोगे ना प्रिया तो मल्टीपल एरर्स आ जाएंगे और आपको एरर तो एक ही पार्ट में खोजना है. फ्यूचर सन्स, ओके, पीपल आर सेइंग इट इज डी. गाइस थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट. ओके,
कमेंट सेक्शन के कुछ स्टूडेंट्स बी को प्रेफर कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन के कुछ स्टूडेंट्स डी को प्रेफर करते हैं. लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर टू द क्वेश्चन. द टेस्टामेंट विल, द टेस्टामेंट विल अलाउ, ठीक है, विल अलाउ योर डॉटर्स. तो जो पहला सब्जेक्ट टेस्टामेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, विल अलाउ योर डॉटर्स. डॉटर्स यहाँ पे प्लूरल है. एंड फ्यूचर, विल अलाउ योर डॉटर्स एंड फ्यूचर सन इन लॉज. लॉ तो एक ही होता है भाई. हाँ, दामाद एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना. करेक्शन हो जाएगा, एंड फ्यूचर सन्स इन लॉ. समझ आया, सन्स इन लॉ, अपोस्ट्रोफी यूज नहीं किया जाएगा. सन्स इन लॉज यहाँ पे गलत हो गया, है ना. सन इन लॉ कभी नहीं होगा फ्यूचर्स, क्योंकि होता नहीं, फ्यूचर एक ही है ना. करेक्शन यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा. बी कैन नॉट बी द आंसर डियर, हम वहां अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते. फ्यूचर सन्स इन लॉ होता है, याद रखिएगा. लॉ तो एक ही है, देयर इज ओनली वन लॉ, है ना. तो करेक्शन या तो सिस्टर्स इन लॉ होता है, फ्यूचर सन्स इन लॉ होता है ना. तो कहा जा रहा है फॉर योर डॉटर्स. अब अगर आपकी एक से ज्यादा बेटियां होंगी तो दामाद भी तो दो होंगे, हाँ कि ना. तो भैया ऑब्वियस ही बात है, सन्स हो जाएंगे फिर वो आपके. जैसे डॉटर्स हैं वैसे ही प्लूरल क्या बन जाएगा, सन्स बन जाएगा. क्या ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ, येस और नो, जल्दी से बताइए. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर, येस और नो? अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भूलना उलना चलता है. समझ आ गया. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5 गाइज. आई होप आप लोगों का स्कोर यहां तक बिल्कुल सही चल रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा. टेक योर टाइम एंड बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. नील गैमन्स एंड टेरी प्राचेट्स ब्रिटिश फैंटेसी गुड ओमन इज अ टेल ऑफ अ बिब्लिकल एपोकलिप्स दैट इज स्केरियर वियर्डर एंड अबव ऑल फनियर देन इट हैज एनी राइट टू बी. कानून, दीक्षा लॉ कानून ही होता है. कानून के तहत जो आपका दामाद बनता है, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ससुराल पक्ष के हैं, है ना. राधे राधे, अरे वाह स्मार्ट, स्मार्ट लिखा राधे राधे रूपांगी, वेरी गुड. चलो ठीक है, बर्लिन ओके. गोकुल का आंसर 2 है, मेहर का ए है, वीरेंद्र का 1 है, रणाजय ए ओके, आशीर्वाद ए. अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं. एलीट का क्या आया है, एलीट ए होगा. अच्छा चलो देख लिया जाए. पहले एक बात बताओ, क्वेश्चन को सबने समझा है, हमने क्वेश्चन क्या लिखा था आप लोगों के लिए. क्वेश्चन में लिखा हुआ था नील गेमैंस एंड टेरी प्राचेट्स ब्रिटिश फैंटेसी गुड ओमन इज अ टेल. अ टेल का मतलब क्या होता है, इट इज अ स्टोरी, है ना. तो एक बात बताओ, स्टोरी तो एक ही है जिसका नाम है गुड ओमन. स्टोरी तो एक ही है जिसका नाम है गुड ओमन. तो जब भी दो सब्जेक्ट्स आपके सेंटेंस में होते हैं और दोनों का एक ही पोजेशन होता है, ठीक है, दोनों का एक ही पोजेशन होता है, तो एक बात बताइए, अपोस्ट्रोफी हमेशा किसके साथ जाता है, सेकंड वाले के साथ, है ना. जैसे मान लो राम एंड श्याम्स मदर, अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, राम एंड श्याम्स मदर is इंदिरा, है ना. इंदिरा जो है वो राम की भी मदर है और श्याम की भी मदर है. तो क्या दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी लिखेंगे, राम्स एंड श्याम्स? अरे नहीं, जरूरत ही क्या है. राम की मॉम और श्याम की मॉम एक ही है ना, इंदिरा. तो करेक्शन यहाँ पे क्या होगा, इज इंदिरा. उसी तरीके से नील अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, नील गेमिन एंड टेरी प्राचेट्स ब्रिटिश फैंटेसी. दोनों की एक ही ब्रिटिश फैंटेसी स्टोरी है गुड ओमन. गुड ओमन एक स्टोरी का नाम है जो दोनों की लिखी हुई एक ही स्टोरी है. इट इज अ टेल, दैट मीन्स अ स्टोरी ऑफ बिब्लिकल एपोक्लिप्स दैट इज कैरियर वियर्डर, मतलब बहुत स्ट्रेंज है, एंड अबव ऑल फनियर देन इट हैज एनी राइट टू बी. द आंसर टू द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ए. आई होप द एरर इज क्लियर. वेरी गुड डियर, वेरी वेरी गुड. द आंसर टू द क्वेश्चन इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ए. अपना स्कोर आउट ऑफ 6 लिख दीजिएगा, क्योंकि अब हम जा रहे हैं, ठीक है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 7 गाइज. वी हैव
ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम नाउन. इससे बाहर एग्जाम में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा चैप्टर में. बताइए इसका क्वेश्चन क्या होगा. विकास कमॉन कमॉन, ज्योति पांडे आंसर चाहिए, आंसर जल्दी से बता दीजिए. ही वॉज डिसक्वालिफाइड एज द जॉब रिक्वायर्ड 5 years एक्सपीरियंस. आंसर तो बहुत लोगों को मिल भी गया होगा. अमित नागल, अरे कोई बात नहीं, फिर से प्रैक्टिस करेंगे. एलीट का आंसर आ चुका है, रूपांगी का आंसर आ चुका है, मुस्कान वेरी गुड, राम गुर्जर को 2 लग रहा है, स्मार्ट वेरी गुड. गाइस द फैमिली इज 147 प्लस. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. वी आर ग्रोइंग टुगेदर, इतना तो श्योर है, वी ऑल आर ग्रोइंग टुगेदर. दैट्स ब्रिलियंट गाइस. What should be the answer? Okay. अभी अभी तो समझाया था, ये रूल अगर अब याद नहीं होगा तो कभी याद नहीं होगा, समझ लेना. अगर आज ये रूल आप लोगों को याद नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, ध्यान से सुनना. He was disqualified as the job required. उसको disqualify कर दिया गया. क्यों? As यहाँ पर reason का काम कर रहा है. As the job required 5 years experience. Okay. अभी हमने आपको बताया 5 years experience. अब देखो 5 यहां पे क्या है, नंबर है. हमने आपसे क्या कहा, यूनिट यहां पे क्या है, ईयर है. एक्सपीरियंस यहां पे क्या है, नाउन है. अगर नाउन और नंबर के साथ यूनिट या मेजरमेंट होता है तो वो हमेशा कौन से फॉर्म में होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा. इसका मतलब ये गलत हो गया. करेक्शन यहां पे क्या हो जाएगा, 5 year एक्सपीरियंस जितने लोगों ने कहा है, बिल्कुल करेक्ट है. करेक्शन यहाँ पे स्टेटमेंट का क्या बन जाएगा, स्टेटमेंट का करेक्शन बन जाएगा आप सभी के लिए बी. एंड आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर नाउ. अब तो रूल याद हो जाएगा सभी को, समझ में आया. द रूल इज अगर आपके पास नंबर के साथ अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिखता है ऐसा और नाउन साथ में है तो वो हमेशा सिंगुलर होगा. जैसे 5000 रुपीज, जस्ट इन द सेम वे. समझ आया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए. क्वेश्चन नंबर 8 इन फ्रंट ऑफ ईच वन ऑफ यू. व्हाट शुड बी द आंसर हियर. द टाइमर टू द क्वेश्चन स्टार्ट्स नाउ. उदित, सोनू, मोमिता, रचना, वेरी गुड. एक्सपीरियंस ऑफ 5 years होगा सिमरन, वेरी गुड. और 5 year एक्सपीरियंस होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. विकास चौधरी वेरी नाइस. अमिता रुक जाओ, अच्छा अभी फिर बता देते, एक सेकंड रुक जाइए. पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए सभी लोग. द फैमिली इज 150 प्लस. चलिए कम ऑन. ए ए ए सारे लोग ए के साथ जा रहे हैं. निशित, सागनिक, हर्षित, ओके ब्रिलियंट. कमेश्वरी, लेट अस सी. Within just years of the Nawabs of Awadh arrival, sunna, ठीक है, the government, अगर हमें लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं, the government of India's decision, the government of India's decision, है ना. King of, या फिर आप लिखोगे the government of Delhi's decision, government of Delhi's decision, है ना. या फिर आप लिखोगे क्या, आप लिखोगे द सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजन. लेकिन जब भी हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर आता है, जब आपके पास कंपाउंड फॉर्म होता है, व्हेन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रक्चर इज कंपाउंड, रिमेंबर अपोस्ट्रोफी हमेशा लास्ट वाले के साथ जाएगा. जैसे द किंग ऑफ नेपाल्स विजिट, हम क्या लिखेंगे, द किंग ऑफ नेपाल्स विजिट. आई होप द क्वेश्चन इज नाउ क्लियर. करेक्शन कैसे लिखा जाएगा, विद इन जस्ट ईयर ऑफ नवाब ऑफ अवध अराइवल, नहीं, नवाब ऑफ अवध्स अराइवल. जब भी मल्टीपल या कंपाउंड स्ट्रक्चर दिखे तो करेक्शन आपका हो जाएगा नवाब ऑफ अवध्स. ठीक है, अराइवल इन मेटियाबुर्ज, the town virtually shaped its own culture based on thumri and kathak. Kathak incorporating the only the one prevalent in the old Lucknow. The answer to the question lies in part A. I hope it is very clear. Yahan correction ho jayega aap logo ka, nawab of Awadh's arrival.
इज दैट क्लियर एवरीवन? अगर ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है तो प्लीज सारे लोग आउट ऑफ एट अपना स्कोर लिख दीजिएगा, बिकॉज यू पीपल हैव जस्ट डन अ ग्रेट जॉब. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. बताइए इसका आंसर क्या होगा. वेरी इजी क्वेश्चन. What should be the answer to the question? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है निवेदा. Years of experience कहा जाता है ना, तो कहा ही जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा. Years of knowledge, years of studying, है ना, years of hard work, बिल्कुल करेक्ट है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अर्पिता. नेक्स्ट क्वेश्चन आइए. अमिता रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, हम कर देंगे आपको इसको एक्सप्लेन. पाविका 4, कुंदन 3, ओके, अनुराग यादव सी, ट्रैवलर्स. आई गॉट वन आंसर. हु गेव दिस? कमेश्वरी. कमेश्वरी, ब्रिलियंट. ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या लिखा था. द ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस. द ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस, अब ये तो एक नाम है ना, किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा. The Brennan Center of Justice, a think tank, has just published a report on officials' scrutiny. Scrutiny का मतलब होता है observance. ठीक है, इसका मतलब होता है observance of travelers' social media posts. पहले तो समझिएगा, एक होता है traveler और इसका plural form होता है travelers. दोनों में कोई problem नहीं है, बट अपोस्ट्रोफी जब लगता है ना तो प्रॉब्लम है. अगर आप ट्रैवलर्स स्टोरी लिखोगे तब तो भाई अपोस्ट्रोफी है, क्योंकि एक ही ट्रैवलर की स्टोरी है. लेकिन अगर आप ट्रैवलर्स सोशल मीडिया पोस्ट लिखोगे, ट्रैवलर्स पोस्ट्स, ठीक है, तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल ट्रैवलर्स. करेक्शन यहां पे क्या हो जाएगा? अपोस्ट्रोफी एस के बाद जाएगा करेक्शन, यहां पर बैठेगा आप सभी लोगों के लिए ट्रैवलर्स. इज दैट क्लियर? अपोस्ट्रोफी एस के बाद चला जाएगा. हु विजिटेड द कंट्री इन द लास्ट क्वार्टर? वो सारे ट्रैवलर्स जिन्होंने कंट्री को लास्ट क्वार्टर में विजिट किया. ऑफ ट्रैवलर्स सोशल मीडिया, ठीक है, ट्रैवलर्स ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट्स हु विजिटेड द कंट्री इन द लास्ट क्वार्टर. आई होप ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है. संगीता चक्रवर्ती, ऐसा कभी नहीं होता जिया. हाँ, ऑफिशियल्स तो ऐसे ही रहेंगे, ऑफिशियल्स इज फाइन. ऑफिशियल्स तो ऑलरेडी प्लूरल स्ट्रक्चर में है ना, एस के बाद अपोस्ट्रोफी आएगा जिया. समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे सारे लोग वापस आ जाइए. द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर्स इज दिस क्वेश्चन नंबर 10. गाइस 10 पे पहुंच गए हैं. 15 क्वेश्चंस हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए. अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू डू. जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा. रेन एंड लूज, कोर्स ग्राउंड्स, सॉइल, फोर्स्ड द कैंसिलेशन. वेरी गुड. किसने आंसर दिया है? कमेश्वरी ने आंसर दिया है. गाइज थिंक थिंक थिंक, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. प्रिया अग्रवाल, वेरी गुड. ओके, सेकेंड डेज प्ले, दूसरे दिन का प्ले, सही है. सेकेंड डेज इज फाइन दिया. देखो, रेन एंड लूज कोर्स ग्राउंड्स सॉइल, नहीं लूज कोर्स ग्राउंड सॉइल, बस है ना, कोर्स ग्राउंड सॉइल. ये एक ग्राउंड सॉइल एक वैरायटी है जो कि कोर्स है, यानी कि दरदरा. ठीक है, तो आपने कहा रेन एंड लूज, यानी हल्का जो होता है दरदरा ग्राउंड सॉइल. फोर्स द कैंसिलेशन ऑफ द सेकेंड डेज प्ले, दूसरे दिन का प्ले, लिविंग ओनली अ डे मोर फॉर देयर विजिटिंग टीम टू रजिस्टर अ विन. द आंसर टू द क्वेश्चन लाइज इन पार्ट ए. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरी वन. समझ आया सभी को? हाँ जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 10 तक का अपना स्कोर जल्दी से बताइए और बताओ कॉन्फिडेंस आया कि नहीं. अगर यहां तक सभी चीजें आप लोगों को क्लियर होती चल रही, तो आपको करना क्या है? सेशन को लाइक करना है पहले, तो शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है अगर आपका पहला क्लास है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11. टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर हियर. अमित राजपूत, ग्राउंड सॉइल इज अ वेराइटी, जैसे कॉटन सॉइल,
जैसे ब्लैक सॉइल, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल नहीं होता, कॉटन्स सॉइल नहीं होता, कॉटन सॉइल होता है. उसी तरह से ग्राउंड सॉइल इज ऑल्सो अ वेराइटी, जो कि एक फ्रेज है. ग्राउंड सॉइल नहीं लिखोगे आप, ग्राउंड का सॉइल थोड़ी ना है. समझ आया अमित? वेजिटेरियंस हो गन्ना, नो, थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट इट, 10 seconds मोर टू गो. फाइन फाइन फाइन, ओके. चलो देखो क्या लिखा है. देवर वेजिटेरियन, देवर वेजिटेरियन, सो इट यूजली मेंट, मतलब वो क्योंकि वेजिटेरियन थे इसीलिए इट यूजली मेंट दे एट चिप्स सैंडविच्ड बिटवीन टू ब्रेड्स. गाइज पहले तो आपको ये बता दें कि जो ब्रेड होता है ना वो अनकाउंटेबल होता है. वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है. तो पहले तो वो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ टू लिखा है. हमेशा जब भी ऐसा आए, जैसे कि हम कहते हैं अलॉट ऑफ एडवाइस, अलॉट ऑफ एडवाइस, ठीक है, उसी तरीके से याद रखिएगा. टू अगर लग जाएगा तो यहाँ पे पीसेज ऑफ ब्रेड लिख दीजिए, या स्लाइस, ठीक है, टू स्लाइसेज ऑफ ब्रेड लिख दीजिए. समझ आया? टू स्लाइसेज ऑफ ब्रेड लिखो, टू पीसेज ऑफ ब्रेड लिखो, लेकिन टू ब्रेड्स नहीं होगा, ब्रेड होगा, ब्रेड्स नहीं होगा. समझ आया? सैंडविच, सैंडविच्ड बिटवीन तो सही है, दो ब्रेड के बीच में आपने चिप्स को सैंडविच करके खाया तो ठीक है. दे एट चिप्स सैंडविच्ड बिटवीन टू पीसेज ऑफ ब्रेड एट द पटलक मील, ठीक है, सॉरी, एट द पॉटलक मील्स. आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट बन जाएगा आप लोगों का पार्ट डी. आई होप द क्वेश्चन इज नाउ क्लियर. ठीक है, टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बोल दो, टू पीसेस ऑफ ब्रेड बोल दो, लेकिन कभी भी टू ब्रेड्स नहीं हो सकता. बर्लिन इज वेरी एंग्री. राज डोंट चेंज योर आंसर, राज डोंट डू दैट. पीस ऑफ ब्रेड होता है विकास, लेकिन तब ना जब एक ही पीस होगा, टू होगा तो पीसेस हो जाएगा, है ना. नाउ क्लियर प्रिया अग्रवाल. खुशबू कुछ और सिया कह रही है हाँ मैम अब क्लियर है, मेरी को क्लियर है. नहीं, मील्स भी नहीं होता है, किसने कहा है? वीरेंद्र सिंह ने कहा है. देखो डियर, मील्स भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पॉटलक मील्स, स्पेसिफिक मील्स के लिए कहा जा रहा है. आप लिख सकते हो, एक हद तक यहाँ लिख सकते हो. मील का मतलब होता है एक वक्त का खाना, और एक वक्त में आप दो टाइम का खाना नहीं खाते, तो मील तो सही चीज है. बट मील्स यहाँ पर स्पेसिफिक पॉटलक के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए वहां पर कोई गलती नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नाम है राज और कुछ नहीं, विकास वो सिर्फ एक नेम है. ओके, हार्ड हार्ड लुक होगा, ठीक है दीक्षा, ठीक है शागनिक वन, मिली ओके, यो अश्मिता टू, वानी टू, अंशु टू, पविका टू, सब टू की तरफ जा रहे हैं. सर ध्यान से देखो क्या लिखा था. मेनी रेस्टोरेंट्स हैव टेकन अ हार्डर लुक, हार्ड लुक नहीं होगा, अ हार्डर इज फाइन, अ हार्डर के साथ लुक हो जाएगा, सॉरी सॉरी, अ हार्ड लुक, ठीक है, या फिर चलो हार्डर भी बोल सकते हो यहाँ पे करेक्शन, या तो आप हार्ड लुक लिख दो, है ना, दोनों ही सही है, या हार्डर लुक लिख दो, ठीक है. आज क्योंकि अ लिखा हुआ है ना, और हम आपको पहले भी बताए थे ए या फिर एन का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो वन होता है, और वन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है. तो अ हार्डर के साथ लुक्स नहीं जा सकता, क्योंकि लुक्स प्लूरल है. आपका करेक्शन हो जाएगा, अ हार्डर लुक एट देयर लॉयल्टी प्रोग्राम्स, प्रमोशनल मार्केटिंग एंड डिजिटल ऑर्डरिंग स्ट्रेटजीज टू इंश्योर बिजनेस ग्रोथ. द आंसर टू द क्वेश्चन इज बैंग ऑन गोइंग टू बी पार्ट बी. आई होप द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू एवरी वन. समझ आ गया? अगर सबको क्लियर हो गया तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक यस लिख दीजिएगा, एंड वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 13. अब थ्री मोर क्वेश्चंस टू गो गाइस, अपना बेस्ट दीजिए, कम ऑन. विवेक कुमार गौड, नहीं नहीं विवेक, हमने अभी आपका आंसर देखा. कैरी महेश, हाय हाय कैरी. एलीच ने कितना बताया है? ठीक है चलो. संजय गुप्ता ओके, रचना लाल ओके, सुतापा वेरी गुड, निभा ब्रिलियंट,
सिस्टर्स इन लॉ, अब आंसर्स आना स्टार्ट हो गए. अब आप लोग पता है समझ गए हो. अभी तक क्या था, आप लोगों को इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अब आप लोग समझ गए हैं. चलो हम बता दें क्या लिखा है. अभी अभी समझाया था, मोस्ट ऑफ द फीमेल रेसिपिएंट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ जैसे ही आप बोलोगे, आप वन से ज्यादा का बात कर रहे हो, यानी प्लूरल है ना. ऑफ के साथ देखो, यहाँ पे नाउन भी प्लूरल है, बिल्कुल करेक्ट है. ऑफ रिनाउंस्ड एक्रीज एंड टाउन लॉट्स टर्न्ड आउट टू बी मोस्ट ऑफ देम, है ना. तो सिस्टर नहीं होगा, फिर करेक्शन क्या हो जाएगा, सिस्टर्स इन लॉ, जस्ट लाइक द प्रीवियस वन. सिस्टर्स इन लॉ, विडोड मदर्स एंड अनमैरिड सिस्टर्स. एरर कुछ भी लिख दो, पार्ट सी के अलावा और कहीं एरर हो नहीं सकता था. माई फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द सेशन टूडे वॉज दिस क्वेश्चन. लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 14. बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से. रवि कुमार बोल तो सकते हैं, बट जरूरत क्या है, चेंज क्यों करेंगे. महेश हम समझ गए, बिल्कुल. मुस्कान कुमारी बिल्कुल करेक्ट आंसर है. राज का आंसर आ गया मैम, 20. देखो नाउन चैप्टर से ना इससे ज्यादा उम्मीद मत करना, ठीक है. इससे ज्यादा उम्मीद आप लोग नाउन चैप्टर में मत लगेगा, यही एरर आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है. ध्यान से देखो, द प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर वो पर्सन होता है जो किसी को पनिशमेंट देता है. हैंडेड द डिफेंडेंट अ $20 बिल. फिर से वही चीज आ गया, देखो घूम फिर के, $20 बिल. अब अगर बिल यहां पे नाउन है, यहां पर आपके पास नंबर है, तो भैया यूनिट तो हमेशा सिंगुलर होगा. 50 बार पढ़ा चुके, करेक्शन हो जाएगा अ $20 बिल. अ भी तो लिखा है, मतलब एक ही बिल पकड़ाया है $20 का, ठीक है. टू चेंज एंड ही प्रिटेंडिंग दैट ही कुड नॉट चेंज इट, फ्रॉडुलेंटली गेव हियर अ $1 बिल इंस्टेड ऑफ द 20. समझ आ गया, तो करेक्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट है. डॉलर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डॉलर लिखेंगे. समझ आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज दिस गाइस. व्हाट शुड बी द आंसर टू द क्वेश्चन, जल्दी से बताइए. जैसे 5-year-old बॉय होगा, बिल्कुल एलीट बॉयज नहीं होगा, बॉय होगा. ठीक है, he is one of those country fellow. पविका का आंसर आ चुका है, आशु का आंसर आया, संपदा का है, रवि महातो, शागनिक, आशु, हर्षित नेहर, राम गुर्जर, नीलम, वानी, सिमरन, क्रिस, हर्षित, सभी का आंसर बिल्कुल सही है और बिल्कुल करेक्ट आंसर है. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. ऑफिसर्स प्लस इज ऑल्सो गोइंग विथ टू. चलो एक बार क्वेश्चन को चेक कर ले. He is one of those country. हमने अभी आपको क्या बताया, वन ऑफ, एक तो ऑफ है तो नाउन वैसे भी प्लूरल होगा, ऊपर से यहां लग गया है दोज, है ना. तो कंट्री के साथ यहाँ पे फेलो वर्ड है, फेलो आपके सेंटेंस में कौन से स्ट्रक्चर में जाएगा, प्लूरल जाएगा, तो करेक्शन हो जाएगा कंट्री फेलोज. आप किसकी बात कर रहे हो, कंट्री फेलोज हु कैन स्लीप इन द हेमो एंड ईट With the horses, he is one of those country fellows. ऐसे fellows का पार्ट है, who can sleep in the haymow and eat with the horses. I hope the question is clear. Bang on. The error lies in part B. और I hope आप लोगों को ये structure भी अब बिल्कुल clear है. अब सबसे बड़ा काम, सौजन्या का 13, विकास का 14. आप लोगों को अपना score बताना है, out of 15 क्या है. याद रखना, negative marking count होगा. मनमोहन का 8 है, very good. अर्पिता मलिक 10, निभा 11, शागनिक 11, संजय गुप्ता 12, हैप्पी बर्थ 13, ज्योति पांडे 11, वेरी गुड. शागनिक कुंदन नॉट बैड स्कोर. जितने भी लोग 12 के प्लस हैं या फिर आप लोग 10 के प्लस हैं, तो याद रखिएगा आप लोगों का नाउन चैप्टर प्रिपेयर्ड है, बस रिवाइज कर लीजिएगा हर 1 week के बाद, दैट्स ऑल. गाइज आप लोगों को बता दें, अगर यहां तक का सेशन सबको पसंद आए तो क्या करना है, यशी मैम के स्टाइल में लाइक लाइक लाइक, कमेंट 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 एंड शेयर गाइज, जितना पॉसिबल हो सके. समझ आया, सो डू लाइक द सेशन एज मच एज पॉसिबल. देयर इज अ स्केड्यूल चेंज, याद रखिएगा स्केड्यूल चेंज हुआ है फ्रॉम 7th of July, यानी कल से. ऐप और यूट्यूब के सेशन अब बिल्कुल डिवाइड हो गए. यूट्यूब सेशन अब सिर्फ यूट्यूब पे हो रहे हैं, ऐप पे नहीं हो रहे हैं, यानी कि
जो स्टूडेंट्स आप पे मेरा एडिटोरियल देखते थे, अब वो एडिटोरियल मेरा कहाँ पे देखेंगे? यूट्यूब पर। क्योंकि अब अगर एडिटोरियल अगर आपको ऐप पे देखना है तो अभिषेक सर का एडिटोरियल आप लोगों को वहां पे अवेलेबल रहेगा सुबह के 6 बजे। इसके अलावा करंट अफेयर्स 8 बजे अकुश सर का एज इट इज रहेगा, बट 9 AM पे जो करंट अफेयर्स है वो माधव सर ले रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों की शाम की सीरीज में भी चेंजेस किए गए हैं, 6 PM, 7 और 8 PM की सीरीज में। याद रखिएगा ये सीरीज डेडिकेटेड है आपके IBPS RRB 2020 को, तो इन सेशंस का पार्ट बनना जरूर, मतलब इस सेशन का पार्ट जरूर बने। इसके अलावा हम आपको कुछ चीजें और बताना चाहते हैं, उनमें आ जाएगा SBI और IBPS की कंप्लीट बैचेस जो बोथ हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ हमारा इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स परचेज करना चाहते हैं, ओनली माई इंग्लिश, देन यू कैन गो विद द कोर्स विच इज अवेलेबल इन हिंदी, जिसमें आपको मिल रही है 85 इंटरेक्टिव क्लासेस एंड 70 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, यू कैन ऑल्सो गो विद ग्रेड अप ग्रीन कार्ड, जहां पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा टू ऑल योर मॉक टेस्ट। रिमेंबर टू लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेप स्मार्ट, स्कोर बेटर, गो ग्रेड अप गाइस, बाय बाय।